मैं दीपांजलि मोइत्रा। देश में कोरोना वायरस के केस दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। हर दिन बढ़ते केस नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। देश में कोरोना वायरस के मामले 34 लाख के पार पहुंच गए। कोरोना से होने वाले मौत के मामले में भी भारत दुनिया भर में फिलहाल चौथे नंबर पर है। लेकिन जिस तरह से लगातार केसेस बढ़ रहे हैं और रोज मौत का आंकड़ा आ रहा है, जल्द ही भारत मेक्सिको को पीछे छोड़ तीसरे नंबर पर पहुंच जाएगा। पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 76,000 से अधिक पॉजिटिव मामले और 1,021 मौतें दर्ज की गई। कल के मुकाबले आज ज्यादा कोरोना केसेस आए। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शनिवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के 76,472 नए पॉजिटिव केसेस सामने आए। वही 1,021 लोगों की मौत हो गई। देश में कोरोना के कुल मामले 34,63,973 हो गए, जिनमें 7,52,424 एक्टिव केसेस हैं और 26,48,999 लोग पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। अगर देश में कोरोना से होने वाले मौतों की बात करें तो यह आंकड़ा 62,550 पहुंच गया। फिलहाल भारत कोरोना से मौत के मामले में दुनिया भर में चौथे नंबर पर, मगर जल्द ही ये मेक्सिको से आगे निकलकर दुनिया का तीसरा देश बन जाएगा। कोरोना से सबसे ज्यादा मौत अमेरिका में हुई, जहां 1,85,901 लोगों को अपनी जान इस वायरस से गंवानी पड़ी। इसके बाद ब्राजील में 1,19,594 और मेक्सिको में 63,146 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। बता दें कि भारत में शुक्रवार को कोविड 19 के 77,266 नए पॉजिटिव केसेस सामने आए। एक दिन में सामने आने वाले मामलों की संख्या की बात करें तो भारत दूसरे नंबर पर चला गया। इससे पहले अमेरिका में एक दिन में रिकॉर्ड 78,586 नए पॉजिटिव केसेस सामने आए थे।